नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको विवाह मुहूर्त के विषय में कुछ बातें बताएंगे, क्योंकि इस साल में 2021 में दिसंबर तो लगभग जाने वाला है। दिसंबर में भी 14 दिसंबर के बाद खरमास प्रारंभ हो जाएगा, तो उसके बाद विवाह के सारे कार्य वर्जित हो जाएंगे। उसके बाद हम जनवरी में जो है विवाह की तारीखें जो है सिर्फ 18 जनवरी को एक अच्छी तारीख आ रही है, 18 जनवरी 2021 में। उसके बाद फरवरी में गुरु अस्त हो रहे हैं, गुरु तारा के अस्त होने पर वैवाहिक या मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं, तो गुरु जो है अस्त हो रहे हैं तो इस समय वैवाहिक कार्यक्रम नहीं होंगे। यानी जनवरी में विवाह का कोई मुहूर्त नहीं निकला। फरवरी में गुरु तो अस्त नहीं है, गुरु तो शुरू हो गए, लेकिन उसमें गुरु तो सही है लेकिन शुक्र तारा अस्त है, तो कई लोग इसको भी मानते हैं कि शुक्र तारा अस्त होने पर विवाह नहीं करना चाहिए। ये कुछ लोगों की, कुछ ज्योतिषों की मान्यता है, कुछ लोग कर भी रहे हैं। मार्च में विवाह का मुहूर्त है। सबसे अच्छे मुहूर्त जो है वो अप्रैल में है। अप्रैल में और मई में विवाह के काफ़ी अच्छे मुहूर्त हैं। अच्छा, अब ये रही बात कि जो लोग ये बहुत ज़्यादा फैंटेसी और ये बातें कही भी जाती है कि जो लोग मुहूर्त से शादी करते हैं क्या उनके तलाक नहीं होते, तो देखिए डिवोर्स होना नहीं होना या शादी में पटना नहीं पटना, ये आपके जो दो लोगों की कुंडलियों के ग्रह मिलान होते हैं और गुड़ मिलान इतना मायने नहीं रखता है। गुड़ मिलान क्या होता है? गुड़ मिलान वो एक निश्चित सेट होता है कि अगर ऐसे ऐसे गुड़ होंगे तो ये चीज़ें, जैसे देव और राक्षस की शादी होगी तो वहाँ पे वो जीरो दिखाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि देव और राक्षस की शादी कभी चली नहीं है या इनकी शादियाँ अच्छी नहीं चलती हैं। कई बार देव और राक्षस की शादियाँ भी बहुत अच्छी चलती हैं और चलती ही नहीं है, इनके जीवन में काफ़ी मधुरता और काफ़ी सामंजस्य रहता है, क्योंकि गढ़ तो तीन ही होते हैं, देव, मनुष्य और राक्षस। तो ग्रहों के मिलान से ज़्यादा बेहतर होता है ग्रहों का मिलान। आप उन ग्रहों को देखिए जो वो पूरी चार्ट में फिट हैं, उन ग्रहों को देखिए कि कौन सा ग्रह कहाँ है। खास तौर से सातवां भाव, आठवां और उसके पास में जो छठा भाव होता है, छठा, सातवां, आठवां, और इनकी दृष्टि किसकी पड़ रही है। देखिए जब ये चीज़ें आप देखेंगे और ये चीज़ें सही मिल रही होंगी तो असंभव है कि किसी की शादी जो है टूट जाए। ग्रह मिलान करके शादी करें तो ज़्यादा बेटर है। गुड़ मिलान भी अच्छी बात है, गुड़ मिलान भी प्राइमर फेसी देखी जाती है, लेकिन ग्रह मिलान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शादी की मुहूर्तों से ही लोग शादी विवाह करते हैं, हर कार्य में मुहूर्त निकलवाते हैं, यहाँ तक कि घर में कोई कथा करते हैं उसका भी मुहूर्त होता है, तो इसलिए मैंने मुहूर्त बता दिया। लेकिन फिर भी मुहूर्त के अलावा बहुत अधिक मान्यता इसकी भी होती है कि आप दोनों की कुंडली कैसे मिलती है, क्योंकि जो 99% जो फैमिली कोर्ट में मामले चलते हैं वो अच्छी मुहूर्त में किए गए शादी होते हैं, गुड़ मिलान करके किए गए शादी होते हैं, वो भी फैमिली कोर्ट में होते हैं। तो मेन बात जो होती है वो ये होती है कि आप दोनों की कुंडली अच्छी मैच करनी चाहिए। हो सकता है कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे के लिए बहुत अच्छा पार्टनर हो मगर वो आपके लिए अच्छा पार्टनर ना हो। तो इस सिद्धांत के साथ आप कम से कम जिस तरह से आप लोग मेडिकल वगैरह चेक करते हैं उसी तरह से एक बार ग्रहों का मिलान भी जरूर करवाएं। अगर किसी तरह की कोई दुविधा लगे तो ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि भविष्य में कोई संबंधों में दिक्कतें आए तो वो ज़्यादा तनाव देती हैं, बजाय शुरू में पता चल जाए तो वो कम तनाव देती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये विवाह मुहूर्त से संबंधित वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर किसी तरह की कोई बात पूछनी हो, कोई कंसल्ट करना हो या कुछ भी आपकी समस्याएं हो तो आप हमें चैनल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर दिया गया नंबर जो है आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नमस्कार।